आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो और टियागो एनआरजी के बीच के की डिफरेंसेस के बारे में, कौन से वो फीचर्स हैं जो इन दोनों गाड़ियों को अलग बनाते हैं और किन लोगों को टियागो चुननी चाहिए और किन लोगों को टियागो एनआरजी चुननी चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपनी लॉन्चिंग के 2 साल के अंदर ही टाटा टियागो ने 165,000 यूनिट सेल कर दी और इसमें से भी ये देखा गया कि जो 50% सेल्स है वो हो रही है टॉप एंड वेरिएंट्स की, यानी कि एक्सेड एक्सेड ए की। तो फिर टाटा मोटर को एक बात तो क्लियर हो गई कि कस्टमर्स को अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिले तो वो एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। इसी सोच के साथ जन्म हुआ टाटा टियागो एनआरजी का, जो कि थोड़ी तो महंगी आती है टियागो के टॉप एंड से, लेकिन इसके अंदर एक एसयूवी फील देने की कोशिश करी गई। इस गाड़ी का लुक फील और डिजाइन एसयूवी टाइप का करने की कोशिश करी गई। तो आइए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बीच में की डिफरेंसेस के बारे में, ताकि आप चुनाव कर सके कि दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन सी रहेगी। डिफरेंस नंबर 1 इज ऑफ कोर्स द प्राइस। यहां पे हम ए वेरिएंट को कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब टियागो का जो एक्सेड ए वेरिएंट आ रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एएमडी ट्रांसमिशन आपको टियागो एनआरजी में नहीं मिलता। तो बात करते हैं इनके रेवेट्रॉन यानी कि पेट्रोल के इंजन में, जहां पे आपको 5,22,000 करीब का टियागो का टॉप एंड मिल जाता है, वहीं पे आपको एनआरजी के अंदर 5,50,000 रुपए करीब खर्च करने पड़ेंगे। डीजल की बात करें तो डीजल के अंदर आपको 6,04,000 रुपए में टियागो का टॉप एंड मिलता है, वहीं पे 6,32,000 रुपए में टियागो एनआरजी आपको मिल जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो करीब 27,28,000 रुपए का फर्क पड़ता है अगर आप टियागो या टियागो एनआरजी में से कोई एक चुनते हैं, तो टियागो एनआरजी में आपको कुछ एडिशनल स्पेंड करना पड़ता है। सेकेंड डिफरेंस इज अबाउट द वेरिएंट्स, जहां पे टियागो एनआरजी के साथ आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है पेट्रोल और डीजल में, दैट इज टियागो एनआरजी। वहीं पे आपको नॉर्मल टियागो के अंदर 7 वेरिएंट्स मिलते हैं, XB, XC, XM, XT, XZ, XTA और XZA। तो ये चीज वेरिएंट वाइज टियागो के पास एडवांटेज रहता है। टाटा टियागो आपको ब्राउन, रेड, व्हाइट, ग्रे, ऑरेंज, सिल्वर, इन 6 कलर्स में मिल जाती है। वहीं पे आपको एनआरजी सिर्फ 3 कलर्स, सिल्वर, ऑरेंज और व्हाइट, सिर्फ इन्हीं में मिलती है। टियागो एनआरजी अपनी एसयूवी अपील दिखाने के लिए आती है आर्मोर्ड एक्सटीरियर के साथ, यानी कवच जैसा एक्सटीरियर रहता है इसका, साथ ही में स्किड प्लेट्स फ्रंट और रियर दोनों जगह पे। ये दोनों ही चीजें आपको नॉर्मल टियागो में नहीं मिलेगी। दोनों कार के व्हील्स के डिजाइन में भी काफी डिफरेंस है, जहां पे टाटा टियागो एनआरजी का जो शेप है व्हील का वो स्क्वेरिकल उन्होंने कहा है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, और वहीं पे टियागो के अंदर आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टियागो एनआरजी के अंदर आपको इन्फिनिटी ब्लैक रूफ मिलती है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। नॉर्मल टियागो के अंदर ये आपको बॉडी कलर में ही मिल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रूफ रेल्स। रूफ रेल जो कि एसयूवी का थोड़ा सा और लुक एनहेंस करते हैं, वो टाटा टियागो एनआरजी में आपको मिलती है, नॉर्मल टियागो में नहीं। पॉइंट नंबर 8 में हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइन्स के बारे में, जहां पे टाटा टियागो के अंदर आप अगर सनबर्स्ट ऑरेंज या बेरी रेड कलर की गाड़ी लेते हैं तो आपको एसी वेंट्स उसी कलर के मिल जाते हैं। इसी वॉइंट्स का जो एक्सटीरियर होता है वो उसी कलर का मिल जाता है, लेकिन टियागो एनआरजी के अंदर आपको कैनन ऑरेंज कलर मिलेगा, जो कि आपको साइड वाले एसी वेंट्स और सेंट्रल एसी वेंट्स के साथ साथ जो गियर लेवल है उसके चारों तरफ भी मिलता है। पॉइंट नंबर 10 इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, विच इज अबाउट द सेफ्टी ऑफ द कार्स। टाटा टियागो एनआरजी और टियागो के टॉप एंड दोनों के अंदर आपको पूरी सेफ्टी मिलती है, विद ABS, EBD, CSC, 2 एयरबैग्स, रियर सेंसर्स, स्पीड टेंशनर एंड नो लिमिटर विद देयर सीट बेल्ट्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स एटसेट्रा। तो अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, यहां पे टायर रहेगा टॉप एंड टियागो और टियागो एनआरजी के अंदर आता है कार के इन्फोटेनमेंट के अंदर, जहां पे टियागो एनआरजी के अंदर हर्मन का इन्फोटेनमेंट विद 8 स्पीकर्स आ रहा है जस्ट लाइक टियागो, लेकिन ये एक टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, अनलाइक टियागोज नॉर्मल इन्फोटेनमेंट सिस्टम। और साथ ही में इसमें वॉइस कमांड रिकॉग्निशन, 3D नेविगेशन थ्रू मोबाइल ऐप, ये सारे फीचर्स भी आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल टियागो के अंदर मिसिंग है। वहां पे आपको नेविगेशन तो मिलता है मोबाइल ऐप के थ्रू, लेकिन आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, 3D मैप वाला नेविगेशन नहीं मिलता,
और वॉइस कमांड भी मिसिंग रहेगा। पॉइंट नंबर 12 इज अबाउट टाटा स्ट्रेटेजी अबाउट प्लेसिंग द प्रोडक्ट्स। इनके डिजाइन में ही बहुत फर्क है। जहां पर जब टियागो को लॉन्च किया गया तो इसका एक मिनी स्पोर्टी कार की तरह इसको डिजाइन किया गया था, जहां पे एक हैच कार है लेकिन थोड़ा सा स्पोर्टी लुक उसका आना चाहिए, एरोडायनामिकली जो काफी स्टेबल लगे और अट्रैक्टिव भी। वहीं पे टियागो एनआरजी का जो डिजाइन है वो थोड़ा एसयूवीश रिजेंबल करता है, उसके अंदर वो सारे डिजाइन एलिमेंट्स लगाए गए जो इसको एसयूवी जैसा लुक दे सके, तो इस हिसाब से इसको मार्केट भी किया जा रहा है। दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में 10 मिलीमीटर का डिफरेंस है, जहां पे टियागो एनआरजी 180 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आ रही है और नॉर्मल टियागो 170 एमएम, दोनों के अंदर ही ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है लेकिन टियागो एनआरजी का ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली ज्यादा है। टियागो के अंदर आपको XT और XZ वेरिएंट्स के साथ AMD ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है पेट्रोल में, लेकिन NRG के अंदर आपको AMD ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा है, एक 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाएगा। आइए नजर डालते हैं गाड़ी के डायमेंशंस पे, क्योंकि टाटा ने NRG को थोड़ा सा और रोबस्ट बनाया है, लंबा चौड़ा दिखाया है, इस कारण से इसके डायमेंशंस में भी आपको फर्क दिखेगा। टाटा टियागो से अगर कंपेयर करते हैं तो NRG की जो लंबाई है वो 47 मिलीमीटर, चौड़ाई यानी कि विड्थ जो कि शोल्डर रूम पे इंपैक्ट डालती है डेफिनेटली वो 18 मिलीमीटर, और हाइट ओवरऑल जो कि ग्राउंड क्लीयरेंस भी बढ़ चुका है इस कारण से 52 मिलीमीटर ज्यादा पड़ती है टाटा टियागो से। क्योंकि कार के ओवरऑल डायमेंशंस में चेंज किया गया NRG के साथ, इस कारण से उसके ओवरऑल कर्व वेट के अंदर भी चेंजेस आए हैं। टाटा टियागो NRG का पेट्रोल वर्जन 1017 केजीज का है और डीजल वेरिएंट 1085 यानी कि 1085 केजीज का है। वहीं पे अगर बात करें टाटा टियागो के वेट के बारे में, कर्व वेट के बारे में, तो पेट्रोल के अंदर ये वेरी करता है 930 केजी से 1024 केजी तक, और डीजल के अंदर ये वेरी करता है 1030 केजी से 1080 केजी तक। अगर रियर स्पॉयलर्स की बात करते हैं तो टाटा टियागो का यूनिक स्पॉयलर्स पैड्स के साथ जो स्पॉयलर आ रहा है वो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन टियागो NRG भी पीछे नहीं, इसका जो इन्फिनिटी रूफ के साथ ब्लैक कलर का स्पॉयलर आ रहा है वो भी काफी देखने में अच्छा लगता है। इंजन की बात करते हैं और इंजन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टियागो में कोई चीज है जो कि NRG में मिसिंग है, वो है मल्टी ड्राइव मोड्स, इको और सिटी मोड्स सिर्फ टियागो में, नॉर्मल वाली टियागो में आ रहे हैं सभी वेरिएंट्स में, लेकिन NRG के अंदर ये मल्टी ड्राइव मोड्स मिसिंग है। लेकिन NRG को एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर, दोनों ही कार्स के अंदर पावर और टॉर्क सेम रहती है, सेम इंजन साइज सब कुछ सेम, बट फिर भी टाटा मोटर्स ने, उनके टेक्नीशियंस ने गाड़ी के इंजन को ऐसा ट्वीक किया है कि आपको टियागो NRG चलाते हुए ज्यादा प्लेजर फील होगा, आपको लगेगा ये गाड़ी काफी स्मूथली चल रही है विदाउट एनी जर्क्स, इंजन का परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिफाइनमेंट बेटर लगता है टियागो के कंपैरिजन में। आइए बात कर लेते हैं फाइनल फैसले की, फाइनल वर्डिक्ट की टियागो किसको लेनी चाहिए और टियागो NRG किसको लेनी चाहिए। देखिए अगर आपको XZ टियागो के जो XZ वेरिएंट है उससे नीचे के कोई वेरिएंट्स आप देख रहे हैं कि आपकी प्राइस रेंज जो आपका बजट है वो उसी रेंज का है तो आपको टियागो पे जाना चाहिए। साथ ही में आपको अगर इंजन के ओवरऑल रिफाइनमेंट में दोनों कार्स में ज्यादा कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, आपको लगता है टियागो से काम चल जाएगा तो इनफैक्ट उसके इको मोड में आप गाड़ी चला सकते हैं, उसमें मल्टी ड्राइव मोड आपको मिल जाते हैं। अगर आपको AMD ट्रांसमिशन चाहिए तो भी आप टियागो के ऊपर ही जा सकते हैं क्योंकि आपको NRG में वो AMD ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा। तो टियागो NRG कौन लेंगे? वो लोग लेंगे जिनको SUV डिजाइन अच्छा लग रहा है टियागो NRG का, अंदर के जो एलिमेंट्स है डिजाइन के वो भी काफी अच्छे हैं और बेस्ट रहेगा इसका सस्पेंशन और इंजन परफॉर्मेंस। सस्पेंशन काफी रिफाइन है, NVH लेवल्स कम हो चुके हैं और इंजन का परफॉर्मेंस रिफाइनमेंट दैट इज डेफिनेटली बेटर देन टियागो राइट नाउ। तो अगर आपको गाड़ी चलाने में मजा चाहिए, एक SUV टाइप का कार का छोटी कार के अंदर ही फील चाहिए तो आप टियागो NRG दीजिए। आपको 25,000 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे लेकिन मेरी नजर में, मेरा ऐसा मानना है अगर आप XZ वेरिएंट टियागो में ले रहे हैं और आपको ये सारी चीजें प्रभावित कर रही है तो आपको टियागो NRG पे जाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, आपके सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं डेफिनेटली उनका जवाब दूंगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, टेक केयर एंड जय भारत।